हेलो लाइब्रेरी का वो किया गार्डन बढ़िया लाइब्रेरी है और उसमें अच्छी किताबें हैं, उसके साथ साथ डिजिटल लाइब्रेरी भी है। अच्छा, तो जो भी हमारे नए बच्चे हैं जो कंपटीशन वगैरह देना चाहते हैं और उनके लिए वहाँ जाके वो डिजिटल लाइब्रेरी भी यूज़ कर सकते हैं और बुक्स भी अगर वो पढ़ना चाहें तो उनके लिए सुविधा होगी। और नर्सरी की एक ब्रांच भी आज शुरू करिए बढ़िया अच्छा काम कर रहा है। कई बच्चों को मिलवाया जिन्होंने अपने एरिया में अच्छी खासी महारत हासिल की है और स्कूल बढ़िया चल रहा है। इसके साथ साथ जो भी और हमारे यहाँ पर वजह साहब एक्ट के तहत जो भी इंडोमेंट के तहत जो भी चलते हैं, किराए की हमारी जो प्रॉपर्टीज है उसका हमारे जो अरेंजमेंट है वो सारी हमने देखी है और किस तरह से उनको और स्मूथ बनाया जा सकता है ताकि दरगाह कमेटी की इनकम बढ़े, उस हिसाब से देखा है। और उसके साथ साथ क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पर जो जायरीन को दी जाती है उनको और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, पीने के पानी की व्यवस्था है, सैनिटेशन की व्यवस्था है, आवाजाही की व्यवस्था है, ट्रांसपोर्टेशन की है, वो सारी चीज़ों पे हम लोग देखते हैं। साथ साथ ही जो भी हमारा जो स्टाफ यहाँ पे काम कर रहा है उसके लिए क्या किया जा सकता है, कैसे और अच्छे से इम्प्रूव किया जा सकता है उसकी एफिशिएंसी, वो सारी चीज़ें लाजिम है उनके साथ बातचीत करके हम देखते हैं। सर एक चीज़ ये बताए, तो आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं उसका तो एम्प्लॉयमेंट तो लाजिम ही करेगा, नाजिम हमारे यहाँ रहता ही नहीं है। आप दो तीन बार एप्लीकेशंस मांग भी चुके हैं, क्या इसका रहेगा? अभी भी जैसे आपने एप्लीकेशंस मांगी है कुछ आए हैं इसमें? हाँ, हमने ऑलरेडी एप्लीकेशंस मांग ली हैं और एक महीने के अंदर हम लोग उसको डिसाइड कर। कितने के एप्लीकेशंस हैं होंगे सर? अभी चल रही हैं एप्लीकेशंस, जैसे जैसे एप्लीकेशन आएंगी अभी थोड़ी देर फिर बता देंगे। दरगाह के कुछ स्थानों को आपने देखा है, सुरक्षा की दृष्टि से एसपी से और इंटेलिजेंस के लोगों से भी कुछ बातचीत करी है, तो ऐसा कोई सरकार का कोई प्रपोजल हो सुरक्षा की दृष्टि से? होम मिनिस्ट्री का कोई प्रपोजल हो दरगाह सुरक्षा को लेकर और कुछ उसको मजबूत करना चाह रहे हो अभी जिसे पुलिस की बनाने के लिए? अभी मैंने बातचीत करी है, अगर ऐसा कोई इश्यू होगा तो एक तो लाइब्रेरी का आपने उद्घाटन करा, तो आपको जानकारी हो लाइब्रेरी जो बनी किस प्रकार बनी और उसमें जो उपकरण वगैरह लगे हैं उनके बारे में कोई जानकारी प्राप्त हुई? जैसे मैंने बताया कि वहाँ पर डिजिटल लाइब्रेरी भी है, उसमें हमारे पास कम से कम 15 हमारे कंप्यूटर्स हैं जिन पर बच्चे बैठ सकते हैं। उन्हीं कंप्यूटर के बारे में बात कर रहा हूँ, वो सब जो कंप्यूटर कंप्यूटर पुराना था प्रोजेक्ट। तो इसका अब क्यों अपन वो करें वो पूछना चाह रहे हैं। नहीं, बेसिकली देखो कोई भी चीज़ की जो शुरुआत है वो अच्छे ढंग से हो जाए, उसका अच्छा प्रचार प्रसार हो जाए, तो उस वजह से किया है। अगर मान लीजिए बच्चे आएंगे वहाँ पर और बच्चों से ये फीडबैक आएगा, जो फीडबैक आप दे रहे हैं तो फर्दर वहाँ के जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह है उनमें हम लोग सुधार करेंगे। ये किस योजना के तहत करवाइए सर अपने? ये हमारा अपना जो हमारा ये एंडोमेंट है उसी के थ्रू करवाया, कोई योजना नहीं है। इलेक्शन भी करेंगे
नहीं, हमारी बातचीत चल रही है, जो भी चीज निकल के आएगी, क्योंकि सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबसे हम बात करेंगे और कैसे इन सब चीजों का जो भी रोजमर्रा के जायरीन को जो प्रॉब्लम्स आती है उसको कैसे दूर किया जा सकता है, उसी सिलसिले में हम लोग सबसे बात। सर कई एनक्रोचमेंट्स विवादित भी हैं और एक एनक्रोचमेंट तो उसका मामला सर ACP में भी चल रहा है, उसको भी किस तरह से दिखवाएंगे आप? प्लीज जब हम आए हैं तो सारे इश्यूज को देखेंगे कैसे उनको शॉर्ट आउट किया जा सकता। एक 16 खंबा शौचालय यहाँ बना था, उसको लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर हुई थी जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे और दरअसल कमेटी में उसमें पार्टी थी, उसमें कोई नहीं तो आदेश होगा ना, हाईकोर्ट ने आदेश कर दिया क्या आपको उसको पूरा 16 शौचालय के अंदर इस्तेमाल करना, उसमें कोई अपने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया, 3-4 महीने ज्यादा दिखवाएंगे हाईकोर्ट चीफ जस्टिस ने आदेश दिए देखो।